सो गाइस, यहां पर लूना कॉइन का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है। जो कॉइन 9000 का था वो गिर के अचानक से आ जाता है 2-3 रुपए का एक दो दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद अब जो है वो 2.0 लॉन्च करने की बात कर रहा है। क्या ये सच में आपका पैसा रिकवरी कर देगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, या फिर अब 1-2 पैसे के भाव से इस कॉइन को खरीद लो ताकि ये बढ़ जाए, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? हर चीज पे बात करेंगे शुरुआत से एंड तक। वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियो मैं देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले लूना कॉइन के बारे में। अब देखिए हुआ क्या है यहां पर, आप सबको स्टोरी तो ऑलमोस्ट पता चल गई है कि कॉइन जो है 9-10 हजार पे चल रहा था मार्केट क्रैश के बाद। बहुत सारे ऐसे कॉइन है, यही एक कॉइन नहीं है। देखिए एक्सेस कॉइन, एक्सी इंफिनिटी कॉइन भी है जो कि 9-10 हजार 12 हजार छू कर आया है, लेकिन अब गिर के 1800-1900 के रेट पे चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो प्राइस है कि आप गिरकर सीधा 9000 से एकदम से 2-3 रुपए के आ जाते हैं, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं बनता है। तो वजीर एक्स कॉइन से भी नीचे आ गया, बहुत सारे बोल सकते हैं वीचेन कॉइन के भी नीचे आ गया है, अब तो वो 1 पैसे पे चलने लगा है, 1-2 पैसे पे। तो यहां पर बहुत मैसिव लेवल पे डेवलपर्स की गलती या फिर किसकी है मैं जज नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है एक प्रकार का इनडायरेक्टली जो होल्डर्स है उनके साथ स्कैम तो हुआ है। अब किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो है भाई, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि जिसने भी इन्वेस्ट किया है शायद उनके लिए पैसा निकालने का मौका आ गया है। मौका पैसा निकालने का तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। आप सिंपली समझो कि अब जो है 2.0 लॉन्च हो रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई भी भरोसा नहीं करने वाला है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपका डिसीजन होगा, मैं बिल्कुल भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूं ऐसे कॉइन में। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर रखा है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी होप है आपके लिए कि अब जो है लूना का 2.0 अगर लॉन्च हो जाता है तो एक छोटा सा बुलिश देखने को मिल सकता है। वैसे अभी 3-4 दिनों से काफी हाइप बन रहा है, हो रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं लॉन्च के बाद एक बढ़िया सा हाइप शायद आपको देखने को मिल सकता है। शायद लग तो नहीं रहा है कि कोई अब ट्रस्ट करेगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं शायद। बाकी मार्केट सिचुएशन अभी कब तक ठीक होगा ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी मार्केट सिचुएशन में ऐसी चीजें होना बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि ऑलरेडी लोग पैनिक है, ऑलरेडी लोग डरे हुए हैं कब किसका कौन सा कॉइन नीचे आ रहा है, एकदम से जमीन को छू रहा है। और लोग ऐसी चीजें जब सुनते हैं तो और मार्केट क्रैश हो जाता है। कैसे कैसे मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होने की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब ये चीजें होती रहेंगी तो मुश्किल है कि कुछ अच्छा हो पाए। बाकी मैं तो अभी प्रेडिक्शन करके बैठा हूँ कि भाई साल के एंड में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, उससे पहले तो मैं प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं किसी चीज को देख रहा हूँ ना सुन रहा हूँ ज्यादा, सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ, मार्केट को रिसर्च कर रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, दैट्स इट। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको लग रहा है ऐसी वीडियो हमें देखते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी की भी हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।